हाय, वेलकम टू अनलॉकिंग इंडस्ट्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो भी वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है? कुछ तो हो रही होगी ना? तो चलिए, अब हम चैप्टर वन के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, प्रिसीजन एक्यूरेसी। उसके बाद हमें पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? तो प्रिसीजन एक्यूरेसी, अब देखो बहुत इजी टॉपिक है, तो मैं पहले बोर्ड पे लिख रखा है। तो व्हाट इज प्रिसीजन? इट इज द क्लोजनेस बिटवीन द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, क्या बोला? क्लोजनेस बिटवीन द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की जो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल रहे हैं उनमें कितनी समानता है, समानता मतलब क्लोजनेस है, दैट्स कॉल्ड प्रिसीजन। ठीक है, अभी एग्जांपल में समझ में आएगा। ठीक है, दोबारा, आपने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली। सपोज आपने बोला इस वेट ऑफ डस्टर का, जो डस्टर का वेट है, आपने तीन बार या चार बार कैलकुलेट किया। एक बार आया आपका 99.5 ग्राम्स, एक बार 99 ग्राम्स और एक बार 99.7 ग्राम्स। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज है, तो हम बोलेंगे आपने जो मेजरमेंट किया दैट इज वेरी प्रिसाइज, दैट इज वेरी प्रिसाइज। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट ने इसका मेजर किया, उसने बोला एक बार 105 ग्राम्स आया, एक बार 99 ग्राम्स आया, एक बार 94 ग्राम्स आया, तो हम बोलेंगे इसने जो वैल्यूज मेजर की उनमें क्लोजनेस बहुत कम है, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई दे आर लेस प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज आपस में क्लोजनेस, लेस प्रिसाइज आपस में नॉट सो क्लोजनेस। अनप्रिसाइज कुछ नहीं होता, या तो मोर प्रिसाइज या लेस प्रिसाइज होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल और करेंगे। दूसरी बात एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बोला क्लोजनेस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप इसको याद दीजिएगा, क्या बोला? क्लोजनेस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो एक्चुअल वैल्यू है, सपोज मैंने बोला अगेन इस डस्टर का वेट 100 ग्राम्स है, ये हमने कई बार मेजर किया, सपोज पांच बार मेजर किया और ये 100 ग्राम्स आया, सबका एवरेज निकाल के 100 ग्राम्स आया। ठीक है, तो हम बोलेंगे भैया इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो 100 ग्राम है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने निकाली 99.9 ग्राम और एक स्टूडेंट ने निकाली 95 ग्राम। तो 99.5 ग्राम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, 100 ग्राम ट्रू वैल्यू के बहुत पास है, तो हम बोलेंगे दिस रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट। और 95 ग्राम ट्रू वैल्यू 100 ग्राम के काफी पास नहीं है, दूर है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, तो हम बोलेंगे नॉट सो एक्यूरेट। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूं। सपोज ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वेट, हमने बोला ट्रू या एग्जैक्ट वेट एक बुक का है 100 ग्राम, यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, कोई बुक है, सपोज ये बुक है, इसका वेट है, इसका तो ज्यादा होगा, हाफ के जी होगा, कोई बात नहीं। सपोज हमने बोला 100 ग्राम है। अब मैंने तीन स्टूडेंट्स को बोला, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, और उनको बोला कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसका एक्चुअल वेट निकालो। तो स्टूडेंट ए ने जो कैलकुलेशन की, पहली कैलकुलेशन में उसने वेट निकाला 95 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम और 85 ग्राम। ठीक है, एक्चुअल वेट क्या है, ट्रू वेट क्या है, 100 ग्राम। अब देखो इस 100 ग्राम से अगर आप 95 ग्राम, 90 ग्राम या 85 ग्राम को कंपेयर करते हैं, तो ये इस वेट से ये वाली वैल्यूज, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यूज काफी दूर है, यानी कि ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में काफी डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे ये जो मेजरमेंट हो रहे हैं दे आर नॉट सो एक्यूरेट, एक्यूरेसी कम है ना? और इसका मीन भी, एवरेज जो आया वो 90 ग्राम आया, विच इज फार फ्रॉम द 100 ग्राम। तो हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में काफी डिफरेंस है, तो द रिजल्ट इज नॉट सो एक्यूरेट। एग्री? तीसरी बात, दूसरे स्टूडेंट ने कैलकुलेशन किया
93 ग्राम 94 ग्राम। अब देखो और जो मीन आया इसका 94 ग्राम है, जो कि एवरेज जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू और एवरेज वैल्यू यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, क्लोजनेस नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट सो एक्यूरेट। बट अगर आप इस वैल्यू को कंपेयर करो तो ये आपस में बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस रिजल्ट वाले सेकंड रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज है। देखो ना क्या ये जो डिफरेंट वैल्यूज है फिजिकल क्वांटिटी की, इनमें कितनी क्लोजनेस है, ये काफी क्लोज है, काफी क्लोज है मतलब प्रिसाइज है। बट जो इनका एवरेज आ रहा है वो ट्रू वैल्यू से 100 ग्राम से काफी दूर है, तो एक्यूरेट नहीं है। दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, दे आर नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि इनमें आपस में भी क्लोजनेस नहीं है, तो प्रिसीजन नहीं है, और इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, तो नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज एज वेल बट नॉट एक्यूरेट। थर्ड वाले को देखते हैं 100 ग्राम, अब इनमें काफी क्लोजनेस है तो हम बोलेंगे प्रिसाइज, और ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है, एग्जैक्टली सेम आ रही है, तो हम बोलेंगे एक्यूरेट। तो जो एक्सपेक्ट जो स्टूडेंट सी था उसका जो रिजल्ट है दैट इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट, स्टूडेंट बी का जो रिजल्ट है दैट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, और स्टूडेंट ए का जो रिजल्ट है दैट इज नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। तो मेरे ख्याल से प्रिसिजन और एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया होगा। आगे तो आगे चले, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, दैट्स ऑल द सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रिसिजन एक्यूरेसी खत्म हो गया बेटा, नाउ वी मूव ऑन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बेटा क्या, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोला मैंने, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने बोला चलो एग्जांपल ले लेते हैं, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड आपने बोला 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है 25.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि जब आप आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये आंसर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, मतलब आप बोल रहे हैं कि जो मैंने इसकी लेंथ नापी उसका आंसर ये, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आप जो पहली दो डिजिट्स है लेफ्ट से काउंट करेंगे, पहली दो डिजिट यू आर सर्टेन अबाउट इट। क्या बोला, यू आर सर्टेन, सर्टेन का मतलब ये जो रिजल्ट है 25 सेंटीमीटर ये एक्यूरेट है, बट जो लास्ट की डिजिट है दिस इज नॉट सर्टेन, अनसर्टेन है, ठीक है, और अनसर्टेन को आप डाउटफुल भी बोल सकते हैं। मतलब जब आपने लेंथ ऑफ रॉड निकाली तो 25.5 सेंटीमीटर जब आपने आंसर रिपोर्ट किया, क्योंकि आपको बोला गया है कि यू हैव टू रिपोर्ट द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपने जब आंसर रिपोर्ट किया तो आप उसमें पहली दो डिजिट जो लेफ्ट से काउंट करेंगे उसमें आप सर्टेन है, और लास्ट वाली डिजिट में आप सर्टेन नहीं है, यानी कि 25 सेंटीमीटर तो होगी, वो 0.5 की जगह 0.4 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, क्योंकि 0.9 से ऊपर जाएंगे तो 26 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, इसको मैं ऐसा लिखूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, हम बोलते हैं ऑल सर्टेन फिगर्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन या फर्स्ट अनसर्टेन, और आप उसको
डाउटफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बोले कि इस लेंथ ऑफ रॉड को आपने जब सिग्निफिकेंट फिगर में मेंशन किया 25.5, यानी कि आप बोल रहे हैं इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब जो फर्स्ट टू है दे आर सर्टेन, दे आर एक्यूरेट, बट द लास्ट वन इज अनएक्यूरेट, मतलब डाउटफुल है। अनएक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं पता, 25.4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, रीड। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी आंसर में हम क्या बोलते हैं, ऑल सर्टेन फिगर्स, यानी कि ऑल एक्यूरेट फिगर्स प्लस प्लस फर्स्ट फर्स्ट अनएक्यूरेट फिगर या अनसर्टेन फिगर, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आया, तगड़ा ध्यान समझ में आया, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। हम आगे चले, अब इसके कुछ रूल्स हैं बच्चों, क्या है कुछ रूल्स है, रूल्स, चलिए रूल्स पे आते हैं। नाउ व्हाट आर द रूल्स, आर यू एल एस रूल्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, क्या बोला, आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी दे आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमने बोला 6119 कोई भी जीरो नहीं है, 2.78 कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, 6.79 कोई भी सिग्निफिकेंट, 98 ठीक है, तो कोई भी जीरो नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए एक्यूरेट, तो फर्स्ट थ्री आर एक्यूरेट, लास्ट वन इज डाउटफुल, फर्स्ट टू आर एक्यूरेट, लास्ट वन इज डाउटफुल, फर्स्ट थ्री आर एक्यूरेट, लास्ट वन इज डाउटफुल, तो पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा रूल, अभी जीरो थोड़ा सा इसमें, ये जो जीरो है ना यही रूल आता है, बाकी तो बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, हाँ याद ना, क्या बोला, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट। जैसे हमने बोला 6009 309, ठीक, इसमें क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, इसमें कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बाद बीच में अगर जीरो है तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। अब ये जीरो यहां तक तो इजी है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, समझ में दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, गुड। बट ये जीरो आगे प्रॉब्लम करता है, जैसे हमने बोला रूल नंबर 3 पे आते हैं, अब हमने बोला जीरोस जीरोस एट द एंड, क्या बोला, जीरोस एट द एंड, अगर जीरो एंड में, ठीक है, तो अब वो हो सकता है आफ्टर डेसिमल है, क्या है, आफ्टर डेसिमल, एंड वो एंडिंग जीरो है, जीरो एंड में है, आफ्टर डेसिमल है और एंडिंग जीरो है, तो हम इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। तो बोलोगे सर ये तो कंफ्यूज है ना, अब देखो हमने बोला 6.90, ठीक है 6.90, या हमने बोला 3.950, ठीक है, तो यहां पे क्या है, जीरो डेसिमल के बाद में है और एंड में है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, जीरो डेसिमल के बाद में है और एंड में है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, तो यहां पे कितनी हुई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पे कितनी हुई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब देखो मैं चौथे रूल पे आ रहा हूं, ये समझ में आया, चौथा रूल क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट,
अब इसको समझिए, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला 6.000 ये बोला, ठीक है, या 9.030, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये वाला जीरो डेसिमल के बाद है, हाँ, एंडिंग जीरो है और डेसिमल के बाद, तो सिग्निफिकेंट हुआ, सिक्स तो सिग्निफिकेंट हो गए, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, इन दोनों के बीच के जीरो भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो आया। ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये जीरो क्या है, डेसिमल के बाद में है और एंडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, दोनों सिग्निफिकेंट के बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट, यानी कि कितने सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। अब ये जीरो क्या है, डेसिमल के बाद में और एंडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो इस सिग्निफिकेंट और इस सिग्निफिकेंट के बीच में क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये चार रूल समझ में आ गए होंगे, ठीक है, चार रूल समझ में आ गए, आगे चले, आगे चले। तो अब हमारे पास आता है, अब हमारे पास जो रूल आता है, ये कह दूं बेटा, पहला वाला रूल तो आप इजी है, वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। अब मेरे पास आता है, इनको लर्न कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। पांचवा पॉइंट मेरे पास जो आता है वो आता है स्टार्टिंग जीरो, क्या आता है, स्टार्टिंग जीरो, ये होता है इनसिग्निफिकेंट। देखो इस वाले रूल को और इस वाले रूल को कंपेयर करना अच्छे। अब मैंने बोला 0.0096, अब ये दोनों जीरो, ये तो क्या इनसिग्निफिकेंट हो गए, स्टार्टिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रहा, ठीक। डेसिमल के बाद वाले जीरो है, हाँ है, बट एंड में नहीं, डेसिमल के बाद है पर एंडिंग जीरो नहीं, आफ्टर डेसिमल एंड एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, ये स्टार्टिंग है, तो ये भी, ये तीनों का हो गए इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ में आया। जैसे मैंने बोला 0.0304, कितने सिग्निफिकेंट है, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ में आया। मैंने बोला 0.00940, अब ये क्या है, डेसिमल के बाद है और एंडिंग जीरो है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इन दोनों, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे ख्याल से ये 5 रूल आपकी समझ में आ गए होंगे, इजी है ना, तो एक बार रिवाइज कर लें तरीके से। क्या बोला हमने, पहला रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, रख लिया, लर्न कर लिया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे दे आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर सेकंड, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो डिजिट है 6, 7, उनके बीच में कितने भी जीरो होंगे दे आर सिग्निफिकेंट, 9, 3, उनके बीच में जीरो दे आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर थर्ड, जीरो जो लास्ट में होंगे, डेसिमल के बाद होंगे, डेसिमल के बाद और लास्ट में होंगे दे आर सिग्निफिकेंट, पर लास्ट में होने चाहिए, बीच में नहीं, ठीक है। हमने बोला 6.90, ये जीरो है, डेसिमल के बाद में है, लास्ट में, तो सिग्निफिकेंट, ठीक। ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, कोई भी दो सिग्निफिकेंट जीरो, अगर ये जीरो डेसिमल के बाद है और लास्ट में सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इसलिए ये दोनों सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जीरो डेसिमल के बाद में और लास्ट में, तो ये सिग्निफिकेंट, 9 तो सिग्निफिकेंट है, 9 और 0 के बीच में जो जीरो होंगे दे आर आल्सो राइट। फिर रूल क्या था, स्टार्टिंग जीरो जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, चाहे डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल के बाद में हो, एंड में नहीं होना चाहिए, एंड से पहले, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में जो जीरो होगा दैट इज इनसिग्निफिकेंट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट रूल, अब मेरे पास है रूल नंबर 6, पावर ऑफ 10 या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसको हटा दूं,
ठीक है, हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, या हम उसको बोलते हैं पावर ऑफ टेन, ठीक है, दे आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक, जैसे हमने बोला 2.72 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, 9. थोड़ा नीचे लिखता हूं, 9.456 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 3.00 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी हुई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी हुई? ये जीरो एंड में है सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक रूल और है, ये 6 रूल था हमारा, रूल नंबर 7, एग्जैक्ट नंबर में इनवाइनेट, एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर या कॉन्स्टेंट नंबर, प्योर नंबर या कॉन्स्टेंट नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और बोलोगे सर ये क्या है? देखो बेटा क्या, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो पहले तो बोलते हैं मोल, मोल की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ, एक प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है, सिक्स पॉइंट कितना होता है याद है कुछ? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.606 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। ठीक है, ठीक है, यह होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 90। अब देखो कंफ्यूजन में, अब हमें पता है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू आ रही है, और इसमें अगर हम ये वाला रूल लगाए तो हमें क्या बोलना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पर हम बोल रहे हैं बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इनको हम प्योर नंबर बोलते हैं। तो प्योर नंबर में जनरली 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 हम होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप 4 नहीं बोलोगे इसको। अब देखो स्कूल में अगर आपसे पूछ ही लिया कि 1 मोल की सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो फिर तो आप 4 ही लिखोगे। पर जनरली ये बोला जाता है, इसलिए इसको रूल्स में नहीं लिखते हम, कि जो एग्जैक्ट नंबर है, जो प्योर नंबर है, क्या है? प्योर नंबर, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। तो इसमें अगर मेरे से पूछे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, ठीक है, बट एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, दे ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्योर नंबर है, इनमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है दे आर इनफाइनाइट। तो मेरे ख्याल से सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। बोलिए तो प्रॉब्लम, तो ये इसको यहीं पे आज हमने 2 टॉपिक कर लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और प्रिसीजन एक्यूरेसी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स करनी आ जाए, क्योंकि थ्योरी नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। एडिशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे, राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी सीखी है, राइट, अभी आपने मतलब रूल्स सीखे हैं, राइट, अभी आपने उनको अप्लाई करना नहीं सीखा है। तो अगले वीडियो में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।